नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू स्त्रियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है इसके पीछे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीमंत अर्थात मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन स्त्रियों का सूचक है। हिंदुओं में विवाहित स्त्रियां ही सिंदूर लगाती हैं। कुंवारी कन्याओं एवं विधवा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इसके अलावा सिंदूर लगाने से स्त्रियों के सौंदर्य में भी निखार आता है, यानी दोस्तों इसके अलावा सिंदूर लगाने से स्त्रियों के सौंदर्य में भी निखार आता है, यानी कि दोस्तों उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, अर्थात उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। विवाह संस्कार के समय वर यानी दूल्हा वधू दुल्हन के मस्तक में मंत्रोच्चार के मध्य अथवा 7 बार चुटकी से सिंदूर डालता है। तत्पश्चात विवाह कार्य संपन्न हो जाता है। उस दिन से वह स्त्री अपने पति की दीर्घायु यानी लंबी आयु के लिए प्रतिदिन सिंदूर लगाती है। मांग में दमकता सिंदूर स्त्रियों के श्रृंगार का प्रमुख अंग है। दोस्तों ये थे धार्मिक कारण और आपको बताते हैं वैज्ञानिक कारण। दोस्तों ब्रह्मरंध्र और अहिम नामक मर्म स्थान के ठीक ऊपर स्त्रियां सिंदूर लगाती है, जिसे सामान्य भाषा में सीमंत अर्थात मांग कहते हैं। यानी दोस्तों जो स्त्रियों का माथा होता है, जो उसके ऊपर का ठीक भाग होता है मांग। दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का यह भाग अपेक्षाकृत कोमल होता है, क्योंकि सिंदूर में पारा जैसी धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो स्त्रियों के शरीर की विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है तथा मर्म स्थल को बाहरी दुष्प्रभावों से बचाता भी है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्त्रियों को सिंदूर लगाना आवश्यक है। तो दोस्तों आपने जाना कि क्या है वैज्ञानिक और धार्मिक कारण सिंदूर लगाने के। तो दोस्तों आपको भली भांति प्रकार से समझ में आ गया होगा कि क्यों हिंदू स्त्रियां जो है अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।